अभी अहम खबर आपको दें, कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम फिर से गर्दिश करने लगा है। जराए कहते हैं कि बाबर आजम से पीसीबी अहदेदारों के रابطے हुए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा से हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम फिर से गर्दिश करने लगा है। जराए कहते हैं कि बाबर आजम से पीसीबी अहदेदारों के रابطے हुए हैं और एक बार फिर से कप्तान बाबर आजम का नाम जो है वो कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से सामने आ रहा है। और जराए के मुताबिक बाबर आजम से पीसीबी अहदेदारों के रابطہ हुआ है और उनको मीटिंग उनके साथ कॉल की गई है और रابطے के हवाले से आपको खबर दी जा रही है। आशा श्वेब मजीद हमें अपडेट करेंगी। आशा, क्या आपके पास मजीद इत्तलात हैं इस अहम खबर के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए बाबर आजम को एक मरतबा फिर से कप्तान बनाने की बातें की जा रही हैं और जराए की जानिब से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से साबिक कप्तान जो है बाबर आजम का नाम जो है वो जोर शोर के साथ गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। बाबर आजम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों के रابطوں की भी इत्तलात है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एबटाबाद रवानगी से कबल जो बाबर आजम है उनकी बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान है और मुलाकात में उनको कप्तान बनाने के हवाले से जो अहम बातें हैं उन पर भी पेशरफ की जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से साबिक कप्तान जो है वो बाबर आजम का नाम चल रहा है। तो इस हवाले से जो अहदेदारान हैं उनकी आज अहम बैठक जो है वो भी मतवक्के और एबटाबाद जो क्रिकेट के हवाले से आज रवानगी होनी थी बाबर आजम की, तो जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात का भी अहम इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आयशा।